आपके लिए बन रहे हैं मेमनी खाओ से, सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मेमनी खाउसे। अब आपने बर्मीज़ खाउसे सुने होंगे, लेकिन ये मेमनी खाउसे कैसे होते हैं? बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। और मेमनी खाउसे की जो सीक्रेट रेसिपी आज शेयर करेंगी अदीबा आपके साथ। मेरे साथ अदीबा जो नजर आ रही हैं। अदीबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा अदीबा, इससे पहले कि हम ये रिवील करें कि ये बहुत मज़ेदार सी जो डिश आपको नज़र आ रही हैं, चीज़ें पड़ी हैं मेमनी खाओ से, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप कैसे, आपको ये शौक हुआ? मुझे शौक इस तरीके से हुआ कि मैं एक ह्यूमन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ सबसे पहले तो, और दूसरा मैं खुद भी बहुत पैशनेट हूँ कुकिंग को लेकर। मेरा कहीं ना कहीं करियर कल्नरी से रिलेटेड है। मैंने 2-3 कोर्सेज भी किए हुए हैं। और रही बात खाउसे की, तो मैं इसे सालों से बना रही हूँ और अब जाकर मैं इसमें एक्सपर्ट हो गई। इनके हाथ के खाउसे खाए थे तो मुझे बड़े मज़े के लगे। मैंने कहा अदीबा आपको मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए तो ये शेयर करना ही करना है। तो अब जल्दी जल्दी अदीबा हम चलें किचन में। बिल्कुल ठीक है, और ये बताते हैं कि किस तरीके से हमने आज खाउसे बनाए। खाउसे के लिए सबसे पहले आपको स्पगेटीज को बॉईल करना है, और इसके लिए आप हाफ पैकेट ले लीजिए स्पगेटीज का, और पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक का डाल दीजिए, और स्पगेटीज को बीच से इस तरह से तोड़कर आप इसमें डाल दीजिए। और 1 टेबलस्पून ऑयल का भी डाल दीजिए ताकि आप इसमें चिपके ना। इसको अच्छी तरह से हिलाते रहें आप, और तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। और जब ये सॉफ्ट हो जाएं, तो आप इसके पानी को ड्रेन आउट कर दीजिए। अब आप ठंडा पानी डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसे ड्रेन आउट कर लीजिए पानी को, और 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल दीजिए ताकि आप उसमें चिपकने ना पाए। मेमनी कढ़ी बेसन और दही की बनती है, और बर्मीज खाउसे में कढ़ी कोकोनट मिल्क की बनती है। मेमनी खाउसा जो है ना वो फुल टिपिकल देसी स्टाइल में बनता है। अच्छा ठीक है। और अब आप 2 टेबलस्पून बेसन की लीजिए, आधा किलो दही लीजिए, इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 से 1.5 ग्लास थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करना है ताकि ये ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। और अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, हल्की आंच पर ढककर पकने के लिए रख दीजिए। तकरीबन आधे घंटे में ये हल्की हल्की गाढ़ी होने लगेगी, और जब आपको लगे कि ये आपके मुताबिक सही इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है तो फिर आप इसे चूल्हे से हटा दीजिए। अब आप एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लीजिए, उसमें 1/4 टीस्पून जीरा, साबित जीरा और थोड़े से कड़ी पत्ते, तकरीबन 10 से 15, और साथ ही फ्राइड गार्लिक 2 से 3 क्लोव्स जो है वो मैंने स्लाइस में काट कर उसको फ्राई कर लिया था। अब इसका भगा लगा लीजिए कढ़ी को। अब इस कढ़ी के ऊपर गार्निश के लिए कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल दीजिए, और हमारी खाउसे की मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो गई है। और अब हम चलेंगे खाउसे की दूसरी कढ़ी की तरफ, जो कि है चिकन कढ़ी। इसके लिए हमें 1/2 kg बोनलेस चिकन चाहिए होगा जो क्यूब्स में कटा हुआ हो, 2 मीडियम साइज के टोमेटो हो चॉप्ड, इसके अलावा 1 टेबलस्पून हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, और ऑयल 4 टेबलस्पून के करीब होगा जो कि हमने फ्राइड जो अनियंस थे उसको हमने फ्राई किया था, ये वही ऑयल है, और थोड़ी सी ग्रीन चिली कटी हुई। इसके अलावा 1 टेबलस्पून सॉल्ट, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, टर्मरिक यानी हल्दी 1/2 टीस्पून, जीरा क्यूमिन सीड्स पाउडर 1 टीस्पून, और कोरिएंडर धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। और ये है खाउसे का सीक्रेट मसाला, और इसके लिए आपको या तो कढ़ाई कोश मसाला या चारकोश मसाला या कटाकट मसाला, इन तीनों में से कोई भी एक मसाला जो पैकेट का मसाला होता है वो आप ले लीजिएगा 1 टेबलस्पून, और ये आपके खाउसे को देगा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ा। अच्छा अब ये ऑयल ले रहे हैं हम, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। अब उन्हीं प्याज को जो है फ्राइड प्याज को आप डाल दीजिए इसके अंदर, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, मिर्चें, ये सब डालकर आप अच्छी तरह से इसे भूनें, और थोड़ा सा आपसे भूनें ताकि ये टमाटर थोड़े से गल जाएं। और अब आप सारे मसाले इसमें डाल दीजिए, हल्दी,
रेड चिली पाउडर, धनिया, जीरा, नमक, और अब आपको वक्तन फवक्तन इस मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है ताकि ये मसाला जल ना जाए। और टमाटर गलने के लिए अब रख दीजिए। और आखिर में अब हम ये सीक्रेट मसाला डालेंगे खाउसी का, जो इस खाउसी को बहुत ही एक मज़ेदार सा टेस्ट देगा। अब आप इसको हिलाते रहें ताकि मसाला जल ना जाए, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। और जब आपको लगे कि टमाटर थोड़े से गलने लगे हैं तो फिर आप इसमें चिकन ऐड कर लीजिए। चिकन को अच्छी तरह से भूनें और अब इसमें आधा ग्लास पानी डालकर ढक दीजिए ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब किचन की ग्रेवी इस तरह से हो जाए, चिकन गल जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी खाउसी की जो चिकन कड़ी है वो अब तैयार हो चुकी है। और अब आप इसमें हरे धनिए से गार्निश कर लीजिए। अच्छा, अब आपने देख लिया कि अदीबा ने किस तरह से खाउसी बनाए। तीन डिफरेंट पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी नूडल्स, इसकी कड़ी और इसकी चिकन ग्रेवी। और अदीबा, ये इतने मज़े के जो गार्निश इंग्रेडिएंट्स हैं, आप जितना इंग्रेडिएंट्स खाउसी में डालें उतना कम है। अच्छा, हम दिखाते हैं कि इसको किस तरह से सर्व करना है, ठीक है, क्योंकि इसके खाने का भी एक तरीका है। इसे सर्व इस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले आपको बॉटम में नूडल्स रखने हैं, उसके बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कड़ी डालिए जो दही की कड़ी है, बाद चिकन कड़ी, आपको जितनी पसंद है आप उतनी डाल दीजिएगा, और धनिया गार्निश के लिए, अगर पुदीना हो तो वो भी डाल दीजिएगा। और ये है गार्लिक स्लाइस्ड जो हमने फ्राई किए थे, ये वो हैं, ये इसे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देंगे। और अदरक जूलियन स्टाइल से हमने काट के रखी थी वो, और ये प्याज है जो फ्राइड है। और अगर आप ज़्यादा चटपटा या तीखा पसंद करते हैं तो आप रेड, तो फिर आप ग्रीन चिलीज डालिएगा, थोड़ा सा चाट मसाला, और आखिर में लीमू। और इसके अलावा अगर आप इसको मज़ेदार क्रिस्पी सा टेस्ट देना चाहें, क्रंची सा, तो फिर आप ये पोटैटो स्लिम्स भी डाल सकते हैं। और अब बन चुका है हमारा मज़ेदार सा खाउसी, जिसे आप इफ्तार पर भी इंजॉय कर सकते हैं, आप डिनर में भी खा सकते हैं, और ईद आने वाली है, ईद के तौर पर आप स्पेशल डिश के तौर पर भी बना सकते हैं इसे। Thank you so much, Adiba, for sharing your secret recipe with my YouTube family. और आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जाइए जल्दी जल्दी से इसे बनाएं और इफ्तार पर इंजॉय करें, और बनाने के बाद कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नजर आ रहा है इसे क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप मेरी हर नई वीडियो देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोस नजर आ रही हैं इन्हें भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।